राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना डायल 100 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार गांव गिडोहा निवासी हरेंद्र और बलदेव एसटीएल कंपनी प्रथला हरियाणा में नौकरी करते हैं। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे दोनों युवक अपनी बाइक से कोशीकला रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अनाज मंडी गेट के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक दूर जा गिरे। दुर्घटना में हरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बलदेव को हल्की चोटें आई हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची 1882 पुलिस ने घायल हरेंद्र को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। कहां क्या घटना हुई, कौन कौन थे आप? तीन बंदे थे, मेडो से आ रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे। ट्रक ने आगे से टक्कर दी। किस जगह की घटना है ये? मंडी की, मंडी के गेट की। मंडी गेट की पुलिस मौके पर पहुंच गई, पीछे आई थी, पीछे आई थी। ट्रक को पकड़ लिया गया? ट्रक को पकड़ लिया। और कोई कोई घायल भी हो गया इसमें? घायल हो गया, सर में चोट है। क्या नाम है उसका? हरेंद्र। हरेंद्र कहाँ काम करता है? एसटीएल कंपनी। कौन सी में? एसटीएल कंपनी। एसटीएल कंपनी में। तो अब कहाँ है वो? लाइफलाइन में भर्ती है। उसकी हालत कैसी है इस टाइम? हालत अब तो नहीं ठीक है, नहीं बेहोश हो गया था। कहाँ के रहने वाला है? गिडोह के।